नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम में डिफरेंस की। जब भी हम कोई भी इमेज को जूम करते हैं तो वो दो तरह से हम उसको जूम कर सकते हैं, या तो वो डिजिटली या तो ऑप्टिकली। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल जूम की। कोई भी इमेज है जिसको हमको जूम करना है, तो हमको सॉफ्टवेयर की मदद से अगर हम जूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको रीसाइज करते हैं या क्रॉप करके उसको जूम करते हैं, तो उस तरह के जूम को कहते हैं हम लोग डिजिटल जूम। यहाँ तक कि ऑप्टिकल जूम जो होता है वो आपके फ़ोन में इनबिल्ट हार्डवेयर की मदद से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा अगर 2x सपोर्टेबल है तो आप उस इमेज को 2x से जूम करके डायरेक्टली आप फोटो खींच सकते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस में रख के। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें, ये आपके फ़ोन की कैपेसिटी के होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 8x का कैपेसिटी है जूम करने का, तो आप 8x पे जूम करके फोटो ले सकते हैं बिना पिक्चर क्वालिटी डैमेज हुए। तो ये सबसे अच्छा स्मार्ट फीचर है ये, आप ये मतलब ये हार्डवेयर बिल्ट है तो इसको ऑप्टिकल जूम कहते हैं। तो होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।